हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का कॉग्रीजेंस आई में सो आज हम एज यूजल मीन्स एंसर राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बट बिफोर वी स्टार्ट यू कैन ज्वाइन आवर प्रोग्राम इन टेलीग्राम ग्रुप जिसमें आपको क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन एंड मॉडल एंसर्स अकॉर्डिंग टू यू पी सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा सो यू कैन सबमिट योर एंसर शीट विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स एंड गेट योर चेक आंसर शीट विद इन फोर्टी एट आवर्स आप लोगों को मॉडल एंसर्स का वीडियो एनालिस यूट्यूब में प्रोवाइड कराया जा रहा है इसके साथ ही इस डिजिटल एज में आप अपने आंसर को वीडियो के थ्रू चेक होता हुआ देख सकेंगे यस इट इज राइट यू कैन सी योर कॉपी गेटिंग चेक नाउ सो फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन जस्ट विजिट अवर टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है सो टूडे विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ द बॉर्डर एंड डिस्प्यूट एंड बॉडो पीस अकॉर्ड सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द इंटरनेशनल सिक्योरिटी इन जी एस पेपर थर्ड तो हम लोग सबसे पहले यहां पर यह देखेंगे कि यह न्यूज में क्यों था ओके okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द दिस टॉपिक इन द न्यूज यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर ने बैन किया है आपका नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड को पांच साल के लिए बैन कर दिया गया है और किस प्रोविजन के अंदर में इनको बैन किया गया है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 सिक्सटी सेवन ओके और ये यूपा एक्ट 1967 सिक्सटी सेवन होता क्या है अगर मैं इसकी बात करूं सो यूपा एक्ट टू डीलिंग विद द एक्टिविटी इज द डायरेक्ट अगेंस्ट द इंटीग्रिटी एंड सोडी ऑफ द इंडिया सो इट अल्सो द फुलफिल द डिमांड ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स विच इज टू फाइटिंग द मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग ओके सो यहां पे जो मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर है उसने ये कहा कि

ठीक तो यहां पे जो मैं क्वेश्चंस की बात करूंगा तो सबसे पहले आप यहां पे हम लोग अप्रोचेज की बात करते हैं ठीक यहां पे कंटेंट की बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं और हम लोग यहां पे स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो आपको ये न्यूज में मिल जाएगा आप लोग अगर रेगुलर न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हैं तो वहां से आपको पता चल जाएगा बॉडोलैंड पीस डिसिपीट्स रिलेटेड ये सब पॉइंट्स क्या होते हैं ओके अगर मैं कंटेक्सट की बात करूं तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो डिस्कस वर्ड डायरेक्टिक की को चूज कीजिए जैसे कि बॉडोलैंड डिसिपीट्स एंड बॉडोलैंड पीस अकॉर्ड होता क्या है और मैं अगर स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो यहाँ पे थ्री पार्ट्स होते हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन्स एंड बॉडी पार्ट एंड थर्ड कंक्लूजन्स होते हैं बॉडी पार्ट में यहाँ पे आपको दो जगह टू प्लेसेस पे आपको नोटिस करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले बॉडो एंड डिस्प्यूट्स के बारे में लिखना होगा और उसके बाद प्रोविज़न होता बोडो पी सकोट के बारे में भी लिखना होगा ओके okay. और अगर यहाँ पे मैं ब्रीफली अगर मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन में तो यहाँ पे ब्रीफली मेंशन दे सकते हैं रीजन डायरेक्टली टू द बोडो इंसर्जेंसी इन द आसम एंड आप यहाँ पे डेट इज द लिस्ट डाउन द प्रोविजन ऑफ द थर्ड बोर्डो पीस अकॉर्ड एज वेल एज यू कैन एनालाइज इट्स रोल इन द ब्रिंगिंग पीस इन द कॉन्फ्लिक्ट रीजन ऑफ द आसम ओके एंड द द फाइनल कंक्लूड ऑन बेसिस ऑफ द अबोव पॉइंट सो लेट्स स्टार्ट टूडेज डिस्कशंस देखिए यहां पे सबसे पहले हम लोग डिस्कशंस करने से पहले देख लेते हैं कि आपका नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बोडोलैंड होता क्या है एंड बोडोलैंड है क्या आपका ठीक ना नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बोडोलैंड आपका इथेनिक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है जो डिमांड कर रहा है आपका इंडिपेंडेंट स्टेट बोडो इथेनिक ग्रुप के लिए कहाँ पे ये आसाम में ठीक ना तो वहां पे ये इनकी डिमांड हो रहा है और ये बोडोलैंड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है ये आपका नाइनटीन में फॉर्म हुआ था तो लेकिन यहाँ पर बोडोलैंड होता क्या है ये तो ग्रुप की बात मैं कर रहा हूँ उसी वही लोग डिमांड कर रहे हैं हाँ पे, यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पे बिलोंग करते हैं जिनका नाम है बोडो जो आसाम में रहते हैं जबकि ये फाइव टू सिक्स परसेंट पॉपुलेशन है स्टेट पॉपुलेशन के ठीक और इन लोग रहते कहाँ हैं अगर आप यहाँ की बात करें इन लोग जनरली आसाम के चार डिस्ट्रिक्ट में अगर आप बोल सकते हैं तो उन डिस्ट्रिक्स का नाम यहाँ पर बताता हूँ कुर करझर चिरांग बक्सा एंड उदलगिरी ये चार पांच डिस्ट्रिक्स हैं जो रिलेटेड हैं यहाँ पे ओके और अगर मैं इनको बोलूं तो यहां पे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल्स के बारे में यहाँ पे बोला जाता है इनको बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल भी बोला जाता है जो एक तब से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल काउंसिली है या आप इनको बोल सकते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर द बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन इन इंडिया ये जो स्टैब्लिश हुआ था आपका टू थाउजेंड थ्री में स्टैब्लिश हुआ था ओके okay, तो यहाँ पे बॉडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे इन लोग को लेस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल पावर दिया गया है ठीक ना बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्स में ठीक यहां पे जो आपका बी टी एडी है बोडोलैंड टेरेटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट करता है आपका फोर डिस्ट्रिक्ट जो मैंने आपको बता दिया कोरकाझर बक्सा चिरांग एंड उदलगिरी उदलगुरी ओके okay. और ये जो आपका फंक्शन होता है डेट इंडिया ठीक चलिए हम लोग यहाँ, यहाँ पे जो बताया गया मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे ब्रीफली देना है, तो जैसे मैंने लिखा बोडोलैंड बोडोलैंड टेरिटल एरिया डिस्ट्रिक्ट इज इन ऑटोमस रीजन इन फोर डिस्ट्रिक्ट जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया और बता दिया आपको इनके बारे में यहाँ पे आप बता सकते हैं टाइमलाइन को लेकर कि आपने यहाँ पे क्या क्या टाइमलाइंस ऑफ द बोडोलैंड डिस जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1960 सिक्सटी टू नाइनटीन में यहाँ पे बोडो एंड अदर ट्राइबल सेपरेट विद स्टेट ऑफ द उद्याचल एज ए इमिग्रेंट इ इलीगल एंड ऑन द बोडो इनिविटेड लैंड ओके लेट 90 में यहाँ पे डिमांड स्टार्ट हो गया शाम का टू डिवाइडिंग द 50 50 एंड रेस्ट ऑल द ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन देखिए यहां पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था ना अगर मैं बोलू यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में तो यहाँ पे जो बांग्लादेश से जो इमिग्रेंट जैसे मान लीजिए आसाम है बांग्लादेश से इमिग्रेंट होकर ये आसाम में शिफ्ट कर रहे थे ठीक है माइग्रेंट कर रहे थे तो यहाँ का जो बोडो ट्राइब है उन लोग को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहे थे इन माइग्रेंट वर्कर्स से ठीक इसलिए ये लोग यहाँ पे काफी ज्यादा एक तरफ से बोल सकते हैं कि सेपरेट ग्रुप का फॉर्मेशन किया जिनको आप बोल सकते हैं बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर बी और एन डी एफ पी बोडोलैंड फ्रंट नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बोडोलैंड फाउंड हुआ लेकिन 1993 में अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि बोडोलैंड ऑटोनोम काउंसिल यहां पे किया गया था ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ था आप, आपका एबीएसयू और आसाम गवर्नमेंट के साथ तो यहाँ पे लेकिन ये एक्चुअली में जो ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ था ये फेल हो चुका था लेकिन फिर से टू में आपका फिर से यहाँ पे ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ और बोर्डोलैंड रिलेटेड काउंसिल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ और यहां पे आप देख सकते हैं कि 2005 में In 2005, so National Democratic Front Portland agreed to the siege fire with the Assam government and the center. So after this treaty is signed, the group splits into three factions. One of the factions, the ndf bs तो आपका जो related था यहाँ पे National Democratic Front Portland, जो भी यूनुज में काफी ज्यादा था. Okay, तो ये आपका continue, आपका क्या कर रहा था? Violent attack कर रहा था. ठीक तो ये आप टाइम लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं इस पॉइंट से जो न, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है ठीक ना लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए क्वेश्चंस लिखने से रीजंस क्या हो सकते हैं डिमांड का जो मैंने एक रीजन आपको बता दिया माइग्रेंट पीपल ओके तो यहाँ पे फर्स्ट रीजन आप यहां पे दे सकते हैं कि इलीगल माइग्रेंट फ्रॉम द दे बांग्लादेश तो एक तरह से ये आपका क्या करा कर था चेंज करा कर था डेमोग्राफी को एज वेल एज इट इज द इंक्लूजन ऑफ द इलीगल माइग्रेंट इन दोटर लूस्ट सॉरी इन द वोटर

ठीक ये है की प्रोविजन बोडो पीस अकॉर्ड का ठीक यहां पे ये लोग क्या डिमांड कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर बात करूँ फर्स्ट पॉइंट का तो ए कमीशन वुड फॉर्म डिटरमाइन द बोर्डो बाउंड्री ऑफ द बोडो टेरिटोरियल डिस्ट्रिक्ट विलेज डोमिनेटेड बाय द बोडो पेनटी आउटसाइड द बीटी वुड बी इंक्लूड एंड दोज नॉन बोडो पॉपुलेशन वुड बी एक्सक्लूडेड तो यहाँ पे जितने भी नॉन बोर्डो पॉपुलेशन है उनकी डिमांड करें कि उनको एक्सक्लूड किया जाए और एक बाउंड्री को डिफाइन किया जाए ठीक बोडो लिविंग इन दिस वुड बी द शड्यूल्ड हिल ट्राइबल स्टेटस तो जनरली क्या है यहाँ पे कि बोडो जनरली कहाँ पर रहते हैं हिल एरिया में रहते हैं तो उन्हें डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे शिड्यूल हिल ट्राइबल स्टेटस यहाँ पे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से ओके okay. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बो, बोडोलैंड टेरिटल एरिया डिस्ट्रिक्स वुड नॉट बी द बोडोलैंड टेटल रीजन एंड इट वुड हैव द मोर एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर की डिमांड यहाँ पे कर रहे हैं जैसे इन लोग को तो पावर मिला है एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेट लेजिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर का लेकिन और भी पावर्स का डिमांड ये लोग कर रहे हैं ठीक ये लोग ये भी बात कर रहे हैं जस्ट वन मिनट हाँ ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि देवनागरी स्क्रिप्ट होना चाहिए बोडो का उडबी दूस द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द इंटायर असाम ओके okay, और सेटिंग करने के बाद जैसे कि यहाँ पे सेटिंग अप हुआ है आपका बोडो कचरी वेलफेयर काउंसिल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बोडो विलेज लो, लोकेटेड आउटसाइड द बोडो काउंसिल एरिया ठीक और स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज की भी डिमांड कर रहे हैं ऑफ द रुप फिफ्टीन थाउजेंड करोड ओवर द पीरियड ऑफ द थ्री ईयर फॉर ऑल द राउंड डेवलपमेंट ऑफ द बोडो कल्चर्स रीजन एंड एजुकेशन की बात करें तो ये आपका की आस्पेक्ट हुआ यह आपका प्रोविजन हुआ किन से रिलेटेड बोडो पीस अकॉर्ड से रिलेटेड ठीक तो कुछ कुछ यहाँ पे दिए गए हैं कुछ कुछ यहाँ पे प्रोविजन्स को नहीं माना गया है ठीक अब मैं यहां पे देखिए अब यहां पे आपको कंक्लूड करना है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट तो यहां पे आप फ्यूचरिस्टिक uh, पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं और अदरवाइज यहां पे वेव फॉरवर्ड्स के पॉइंट uh, में भी आप पे यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट को यहाँ पे स्ट्रेंथ करना चाहिए डेट इज दटोनोमस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन द असाम और स्टैब्बलिश करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखना चाहिए स्टैब्लिश करना चाहिए यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड सिस्टम दैट द कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए एंड एक्सेसिबल टू द लोकल पीपल सॉरी लोकल पीपल ओके एंड विच कैन एड्रेस द फियर ऑफ द लॉस ऑफ द लैंड टू द आउटसाइडर्स तो यहाँ पे जो फियर्स होते हैं ना कि बाहर से लोग आएंगे और यहाँ पे लैंड को कब्जा कर लेंगे यही प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे बांग्लादेश से माइग्रेट करके वो आसाम में जा रहे हैं और बॉर्डर ट्रैप्स के जो पॉपुलेशन हैं उनको डिस्टर्ब करें उनके कल्चर्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं ओके उनके लैंग्वेज को डिस्टर्ब करें उनको लग रहा है कि मेरा लैंग्वेज और कल्चर यहाँ पे क्या होगा एक टाइम पे लॉस कर जाएगा ओके तो ये चीज इंप्रूव करना चाहिए तो इनसे एक तरफ से ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज होगा और करप्शन सिस्टम भी रिड्यूज होगा लैंड रिकॉर्ड सिस्टम से और एक तरफ से फेथ क्रिएट होगा बोडोल बोडो ट्रैप्स को गवर्नमेंट के ऊपर ठीक और थर्ड पॉइंट यहां पे आप देख सकते हैं कि इंप्रूव कर सकते हैं प्रेजेंट ऑफ बोथ ऑफ द स्टेट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी तो अगर आप इन दो बॉडी को अगर आप स्टेट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एजेंसी को आप अगर इंप्रूव करते हैं तो काफी अच्छा ये uh, इतनी वायलेंस भी यहां पर रिड्यूस हो सकता है ठीक आप यहां पर इंप्रूव कर सकते हैं इकोनॉमिक सेक्टर से रिलेटेड जैसे जैसे आप ले सकते हैं डेवलपमेंट कर सकते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री टूरिज्म एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं अगर हिली स्टेट है वहां पर तो अगर अगर वैसा कंडीशन बनता है तो तो आप इंप्रूव कर सकते हैं इकोनॉमिक सेक्टर से रिलेटेड ठीक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोग जनरली आप देखते होंगे नॉर्थ ईस्ट में जनरली अगर आपका लड़ाई होता है तो वो किन बेसिस पे होता है कल्चर आइडेंटिटी इथनिक आइडेंटिटी बेसिस पे लड़ाई होता है तो आप वहां पे प्रोटेक्ट कीजिए उनके कल्चर्स एंड लैंग्वेज को ओके okay, ताकि ये आपका लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन बन सके वही चीज मैंने यहां पे लिखा है उतना उतना बड़ा मैंने यहाँ पे काफी थर्टी टू फोर्टी वर्ड्स में लिख दिया है ठीक ना आप लोग यहां पे और भी वे फॉर्वर्ड या आप कुछ पॉइंट्स को यहां पे इंक्लूड कर सकते इंक्लूड कर दीजिएगा ओके okay, जैसे मैंने यहां पे लिखा इट नीड्स टू इटनीट द पॉलिटिकल अरेंजमेंट होना चाहिए सस्टेन द द द एक्सपेंडेड टू बीटीसी एंड मेंटेन द इंटर ट्राइबल हार्मोनी अब कैसे यहां पर मेंटेन किया जाएगा इंटर ट्राइबल हारमोनी को ऑब्वियसली बात है उनके लैंग्वेज एंड कल्चर्स को प्रोटेक्ट करके ओके देखिए आप लोग जैसे मैंने भी कल डिस्कस किया था आ, नागा पी स्टॉक से और मैंने वहाँ पर भी बताया था आप लोगों को कि आप लोग रेगुलर आंसर राइटिंग कीजिए कुछ दिनों से कॉपी चेक नहीं हो पा रहा है आ, थ्री डे लग जा रहा है कॉपी चेक करने में ओके आप अपना पी फॉर्मेट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सबमिट कीजिएगा हम लोग जब जल्द वेबसाइट लॉन्च होने वाला है तो वहाँ पर भी आप लोग कॉपी को सबमिट कर सकते हैं वो आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कब आप लोग को वेबसाइट में कॉपी को सबमिट करना है ठीक देखिए यहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिलेगा एज वेल एज आपको वीडियो फॉर्मेट में भी मिलेगा ठीक पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा ये तो सभी लोग कर रहे हैं तो ये तो यूनिक यूनिवर्सिटी नहीं है लेकिन वीडियो फॉर्मेट जो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ था लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे काफ़ी दिनों से तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर अगर वीडियो फॉर्मेट वगैरह आप लेते हैं तो आपका इंट्रेक्शन होगा डायरेक्ट इंट्रेक्शन यहाँ देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको मेंटर भी प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है इसका कॉस्ट कुछ ज़्यादा ही है जैसे कि आप पीडियो फॉर्मेट लेंगे तो नाइन थाउजेंड नाइनटीन सॉरी नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन रुपीज ऑनली है लेकिन यहाँ पे आपका फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज पाँच सौ रुपया एक्स्ट्रा आपका बढ़ जा रहा है किन के लिए वीडियो फॉर्मेट में और ये आपके लिए काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जैसे आप लोग को पता है कि बहुत लोग आपने बहुत सारे आंसर लिखे होंगे मेन आंसर राइटिंग के तो बहुत लोग लो सिर्फ कॉपी चेक कर देते हैं गुड वुड लिख देते हैं बस हो जाता है कि हाँ आपने सही किया है ठीक ना ही आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जा रहा है वहाँ पे और ना ही आपका जैसे मैंने यहाँ पे यूट्यूब एनालिसिस यहाँ पे वीडियो एनालिसिस दे रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे ठीक ना और एज वेल एज आपका कॉपी जो चेक होगा वो आपका वीडियो फॉर्मेट में भी होने वाला है साथ ही साथ अगर आपका आपको किसी चीज़ का प्रॉब्लम है तो आप हमारे या कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेंटर से या आपका या आपका जिसने कॉपी चेक किया आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या गलती किया और मुझे किस तरह से इंप्रूवमेंट चाहिए जैसे कि स्ट्रक्चर आप गलत लिख रहे हैं तो कंटेंट में आपका प्रॉब्लम है तो कोई भी चीज़ से इशू रिलेटेड इशू जो होंगे वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं अपने मेंटर से सो दिस इज द एंड ऑफ टूडेज डिस्कशन होप यू लाइक इट फॉर एनी क्वेरी जस्ट विजिट आवर टेलीग्राम ग्रुप स्टे कनेक्टेड स्टे सेफ थैंक यू थैंक यू वेरी मच